कोई साधारण कन्या नहीं है जनक। इस धनुष से तुम्हारी पुत्री का भविष्य जुड़ा हुआ है जनक। ये धनुष निर्धारित करेगा कि भविष्य में सीता का योग्य वर कौन। इस क्षण से लेकर मृत्यु जब तक हमें अलग ना करते, मैं तुम्हारा हूँ। वीएफएक्स से होगी ऑडियंस खुश, ताकतों के बीच होगा युद्ध। क्या आपको याद है जब एसएस राजामौली की फिल्म बाहुबली में हर जगह धमाका मचा दिया था? जी हाँ, उस समय हमें कोई अंदाज़ा नहीं था कि एक समय पर साउथ की फिल्मों में इतना दम होगा कि वो बड़े पर्दे पर पूरी तरह से छा चुकी होगी। लेकिन आज के समय में हर साउथ की फिल्म जो पैन इंडिया लेवल पर रिलीज़ होती है तो धमाल मचा रही है। जहाँ एक तरफ बड़े बड़े सुपरस्टार, चाहे वो शाहिद कपूर हो या फिर जॉन अब्राहम की फिल्मों को इतना फुटफॉल नहीं मिल रहा है जितना पहले मिलता था, लेकिन दूसरी तरफ साउथ की फिल्मों में ऐसे ऐसे एक्ट्रेस दिख रहे हैं जो आजकल जिन्हें देश भर में नहीं जाना जाता था, लेकिन साउथ में बहुत बड़े स्टार थे, वो पूरे देश भर में फेमस हो चुके हैं। चाहे वो अल्लू अर्जुन हो या रामचरण या हमारे प्रभास, अब उनका फैन बेस इस लेवल का है कि हर कोई इन साउथ के एक्टर्स के साथ कोलैबोरेट करके काम करना चाहता है। और कुछ ऐसा ही हो रहा है प्रभास की आने वाली फिल्म आदि पुरुष के साथ। आपको बता दें, सैफ अली खान जो अपनी अदाकारी के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं, अब जल्दी हमें प्रभास के साथ फिल्म आदि पुरुष में दिखने वाले हैं। ये एक पैन इंडिया लेवल की फिल्म होने वाली है और उस फिल्म की कहानी कुछ ऐसी है कि वो अलग अलग ताकतों के बीच के युद्ध को हमें दिखाने वाली है। कमाल की बात ये है कि इस फिल्म में हमें जहाँ एक तरफ अच्छी कहानी दिखने वाली है, वहीं साथ में कुछ ऐसे VFX दिखेंगे जो उड़ाने वाले हैं सबके होश, क्योंकि इस फिल्म को बड़े बजट में बनाया जा रहा है। इस फिल्म की क्वालिटी से ऑडियंस होगी खुश, इस बात की तो हमें गारंटी है। और साथ ही जब प्रभास और सैफ अली खान जैसे दिग्गज कलाकार एक साथ बड़े पर्दे पर आए तो वो फिल्म होने वाली है धमाकेदार। आपको बता दें, आदि पुरुष फिल्म को काफ़ी बड़े लेवल पर बनाया जा रहा है। आप कितने एक्साइटेड हैं इसे देखने के लिए कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।